हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड टीजीटी का जो जेएसएससी टीजीटी का फिजिक्स का सिलेबस है, उस सिलेबस को हम लोग आज बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम मैथमेटिक्स का भी सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दिए कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक में क्या क्या है, कौन सा टॉपिक में क्या क्या नहीं है और कहां से आप उसको पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ आपको हम डिटेल में बता चुके हैं एक लेक्चर में। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि हम मैथ्स के लिए इसीलिए आपको देखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स से अप्लाई करते हैं फिर भी आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आप मैथ्स से अप्लाई करते हैं फिर भी आपको फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब मैथ्स और फिजिक्स एक ही साथ है। जो बच्चे फिजिक्स ऑनर्स हैं उसको भी मैथ्स पढ़ना, जो बच्चे मैथ ऑनर्स हैं उसको भी फिजिक्स पढ़ना है। तो बात यही कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ना है। तो एक सिलेबस तो आपको डिस्कस कर चुके हैं मैथ्स का, तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही डिटेल तरीके से देखेंगे कि क्या है फिजिक्स का सिलेबस और कितना कितना पढ़ना और कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये है हम लोग का सिलेबस, हम लोग का फिजिक्स का जो सिलेबस है यही है। तो फिजिक्स का सिलेबस जो है झारखंड टीजीटी का, जेएसएससी का टीजीटी का, उसको कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, सबसे पहले आप समझिए। फिजिक्स का सिलेबस को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है हम लोग का फिजिक्स का सिलेबस। यहाँ पर हम 4 पार्ट लिखे हुए हैं, इसके बाद फिर आगे हम लिखेंगे। लेकिन पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप पढ़ना शुरू करें इससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए। किसका? तो सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। जैसे आप मैकेनिक्स शुरू करेंगे, अगर आप मैकेनिक्स शुरू करेंगे तो मैकेनिक्स शुरू करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा सिलेबस में क्या क्या है, हमको मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद अगर आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। फिर ऑप्टिक्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म है, फिर उसके बाद हम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट आता है जो कि इसी में, फ्लूइड मैकेनिक्स तो खैर इसी में आ गया। उसके बाद हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है कुछ, है ना। तो हम लोग कुल मिला के बात यह है कि पढ़ने से पहले सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। तो अगर आइडिया नहीं होगा सिलेबस का क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो आप पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस को समझना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो आपका जो 7 पार्ट में डिवाइड है, हम सिलेबस को डिस्कस करना अब मात्र एक ही बात है। आप चाहे तो इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप रिलेट कर सके कि इसको हम कहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी हम यहाँ इसको क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप रिलेशन के लिए हम बस एक वीडियो यहाँ पर बनाए हुए हैं, और कोई मेरा मकसद नहीं। आप समझिए, इसमें आपको समझने की बात यह है कि आप तो चाहे तो इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन बात को समझना यहाँ जरूरी है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो जनरल फिजिक्स है, तो ये जनरल फिजिक्स क्या है, ये जनरल फिजिक्स हम लोग का क्या है भाई, तो हम लोग का ये मैकेनिक्स वाला पार्ट है। कौन सा? तो मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हम लोग को कहाँ पढ़ना होता है? मैकेनिक्स हम लोग को क्लास 11th में, जब आप क्लास 11th में, क्लास 10th से 11th में एंट्री किए होंगे, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग मैकेनिक्स से ही किया जाता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स अगर आपको आता है तो लगभग समझिए कि आपको फिजिक्स आता है, क्योंकि इसी के दम पर फिजिक्स चलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैकेनिक्स को समझते हैं कि मैकेनिक्स में अगर पूरा मैकेनिक्स तो हम लोग को नहीं पढ़ना, इसमें बहुत सारा पार्ट स्किप है ना। जो सिलेबस है मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स में सब कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बहुत चीज़ स्किप किया हुआ है हम लोग का सिलेबस में, टीजीटी का सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, जो हम लोग ये वेक्टर है, वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, इसको पढ़ना है। ये भी ये स्टार्टिंग मैकेनिक्स यहीं से स्टार्ट होता है ना। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना, फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ना। तो मतलब आप देखिए, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट है और प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट है और यूनिफॉर्म सर्कुलर वाला पार्ट है, ये हम लोग को कहाँ पढ़ना होता है? काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में पढ़ना होता है ना। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ये भी आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ये भी कहाँ पढ़े हैं? क्लास 11th में पढ़े हैं। उसके बाद देखिए, वर्क एनर्जी पावर एक अलग ही चैप्टर रहता है ना, वर्क एनर्जी पावर एक अलग ही चैप्टर रहता है, इसको भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके। उसके बाद देखिए, ग्रेविटेशन, स्केप वेलोसिटी, कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये तीनों पार्ट जो है एक ही ग्रेविटेशन चैप्टर का ही पार्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेविटेशन चैप्टर का ही पार्ट है। ग्रेविटेशन हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया, कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हो गया, ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशन में क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, फिर अभी तो पढ़ ही लेंगे, है ना।
उसके बाद देखिए सरफेस टेंशन हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, विस्कोसिटी हो गया। ये सब बताने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। अभी तक जो पैटर्न रहा उसके हिसाब से समझिए कि अगर आप मैथ या फिजिक्स में से किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन रहता है। कितना? तो 150 क्वेश्चन रहता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है 150 क्वेश्चन को। आपको 75 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 75 मैथ्स का रहेगा और 75 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, आप मैथ्स ऑनर से या फिजिक्स ऑनर से, आप मैथ से अप्लाई करें चाहे फिजिक्स से अप्लाई करें, आपको पैटर्न यही मिलने वाला, 75 मैथ्स और 75 फिजिक्स। ठीक है, तो ये 75 मैथ्स वाला पार्ट तो अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, हम यूट्यूब में बहुत ही पहले शुरू कर चुके हैं। ये जो मैथ्स वाला पार्ट है, मैथ्स का सिलेबस हम बोल चुके हैं यूट्यूब में कि पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यूट्यूब में हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन प्ले लिस्ट में अरेंज किया हुआ आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको हम पढ़ाने का वादा कर चुके हैं तो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो और बात रहा फिजिक्स का, तो फिजिक्स भी बहुत जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। जो फिजिक्स का पार्ट है वो भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, इसीलिए सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यही रहा हम लोग का पैटर्न, अभी तक यही पैटर्न रहा। आगे अगर कुछ बदलता है तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक में यही पैटर्न रहा है तो हम लोग यही मान के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो ये पार्ट हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है मैथ्स का, है ना। तो फिजिक्स का भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, आप ध्यान में रखेंगे। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको झारखंड TGT का एक अलग ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अरेंज किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और विस्कोसिटी। तो देखिए एक पार्ट हम लोग होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का दो पार्ट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट होता है। तो पहला पार्ट क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग ये फ्लूइड स्टैटिक वाला पार्ट को स्किप किया हुआ है। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक वाला पार्ट को स्किप किया हुआ है और पढ़ना हम लोग को क्या है, तो पढ़ना हम लोग को फ्लूइड डायनामिक्स का, वो भी फ्लूइड डायनामिक्स का सारा नहीं पढ़ना है, बस कुछ मात्र एक सरफेस टेंशन पढ़ना है। और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो दिख रहा है आपको, ये भी फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, लेकिन उसमें भी एक टॉपिक होता है कैपिलरिटी करके। ठीक है, तो अगर आप कैपिलरिटी पढ़े हुए तो इस तरह से इसको सिलेबस अलग से छांट छांट के लिखना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट कैपिलरिटी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी स्टेप से लिख देता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको थोड़ी ना समझ में आएगा बिना कैपिलरिटी पढ़े। तो कैपिलरिटी का पार्ट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी हो गया। तो ये जो तीनों दिख रहा है, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और विस्कोसिटी, ये किसका पार्ट है, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना होता, फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ना होता। ठीक है, ये फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट है। तो उसके ये आपका पूरा का पूरा आपका मैकेनिक्स क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक मैकेनिक्स था। तो अब सेकंड पार्ट क्या रखा हुआ, ये तो ये जो सेकंड पार्ट रखा हुआ है रिलेटिविटी थ्योरी को रखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटिविटी थ्योरी। बहुत बच्चे लोग 11th क्लास और 12th क्लास में ये वाला टॉपिक नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत जन को पढ़ाया गया होगा रिलेटिविटी थ्योरी, बहुत जन पढ़े भी होंगे रिलेटिविटी थ्योरी 11th में 12th में, लेकिन बहुत बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, खास करके जो IIT वगैरह का तैयारी करते हैं उनको ये चीज़ रिलेटिविटी थ्योरी क्लास 11th 12th में पढ़ाया जाता है, जो नहीं करते उसको नहीं पढ़ा, स्किप कर दिया जाता है। तो रिलेटिविटी थ्योरी, खैर आपको ये जो रिलेटिविटी थ्योरी है इसको ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़े होंगे, जब आप ऑनर्स कर रहे होंगे, BSc में मैथ्स में भी कर रहे होंगे तो सब्सिडी में सब्जेक्ट होगा जनरल इलेक्टिव में, और जो अगर आपका ऑनर्स होगा तो पढ़ना ही होगा रिलेटिविटी थ्योरी, आपको ग्रेजुएशन में खास करके पढ़ाया गया होगा। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, है ना, और इसमें वेलोसिटी डिपेंडेंट मास, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब E=mc² जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसी का पार्ट है रिलेटिविटी थ्योरी का, जो E=mc² है इसको बस यही चीज़ पढ़ा दिया जाता है क्लास 11th का बच्चा को, और कुछ नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो कोई नहीं पढ़े होंगे तभी हम तो पढ़ाने ही वाले हैं। तो E=mc² जो है ये रिलेटिविटी थ्योरी का पार्ट है ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इसी कहते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर रिलेटिविटी थ्योरी जनरल फिजिक्स आपका यहाँ पे एंड होता है, इतना ही आपका जनरल फिजिक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सेकंड में क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस तो बहुत ही अच्छा होता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा 11th 12th का सिलेबस का सबसे आसान टॉपिक माना जाता है ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को। लेकिन इसमें क्या किया, थोड़ा अजीब टाइप के सिलेबस को बनाया गया है,
केटीजी लिखा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो केटीजी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, ये आपको पूरा पढ़ना, ये पूरा रखा हुआ है। लेकिन अब क्या किया है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करके एक चैप्टर होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, क्या होता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करके चैप्टर होता है। ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसको सिलेबस में पूरा का पूरा रखना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ऐसे छांट के लिखा हुआ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतना लिख के क्या साबित करना चाह रहा है? आपको पढ़ना तो सब कुछ है, खाली फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ और जीरोथ लॉ पढ़ लेंगे तो आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी ना हो जाएगा। तो अगर बिना लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़े आपको ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ और जीरोथ लॉ समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको कुल मिला के ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरे के पूरे पढ़ना होगा, तभी आपको जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ ये बेईमानी किया है, आइसोथर्मल किया है, एडियाबेटिक किया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसके अलावा भी बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कि नहीं लिखा है, जो कि नहीं लिखा है। आइसोबारिक होता है, आइसोबारिक प्रेशर होता है, और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, पढ़ना आपको सब पड़ेगा। अब बस इसमें छांट छांट के लिख दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर जब जान लीजिए कि ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आपको पूरे पढ़ना होगा, ठीक है। लिखा है अलग बात है, क्वेश्चन भी यही सबसे आएगा, लेकिन मुद्दा है ना कि आपको पढ़ना सब पड़ेगा, ठीक है। तो कुल कहना हम ये चाह रहे हैं कि आपको 2 × 2 = 4 जानने के लिए आपको पहले 1 2 3 4 100 तक गिनती जानना चाहिए, जानना होगा, तभी आप 2 × 2 = 4 कर पाएंगे, है ना। आपको गिनती आएगा तभी ये गुना कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, नंबर्स का जानकारी होगा तब ना गुना कर पाएंगे। तो वही वाला बात है कि नंबर्स का ही जानकारी नहीं है, बीच में टॉपिक लिख दिया हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया जीरो, खैर हम सब कुछ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक एक पार्ट को पढ़ाने वाले हैं, तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, अब देखिए कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी, तो ये वाला पार्ट हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर, बिना हीट ट्रांसफर पढ़े आपको कार्नोट इंजन और एफिशिएंसी समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप हीट ट्रांसफर पढ़ लिए हैं तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक पार्ट को लिखा हुआ है और उसको पढ़ने के लिए आपको हीट ट्रांसफर पढ़ने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। तो हीट ट्रांसफर समझ जाएंगे तो कार्नोट इंजन एफिशिएंसी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इसमें TU TL है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये सब कुछ जानना पड़ता है इसमें, है ना। और आइसोथर्मल एडियाबेटिक, किसमें क्या कांस्टेंट होता है, किसमें क्या कांस्टेंट नहीं होता है। आइसोथर्मल में जो आपका है ना टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में देखिए Q = 0 क्यों कांस्टेंट होता है ना। तो हर चीज़ आपको जानने की जरूरत है इसमें, है ना। तो आगे अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स वाला पार्ट में, वो मतलब क्या किया ऑप्टिक्स वाला पार्ट में, क्या किया कि पूरा ऑप्टिक्स छोड़ के, रे ऑप्टिक्स जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है पूरा छोड़ के, वेव ऑप्टिक्स पूरा छोड़ के, थोड़ा सा पार्ट लास्ट का सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो सामान सब होता है ना कम छोटा बड़ा देखने के लिए, वो वाला पार्ट सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट दिया, हाइजेंस प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। वो भी एलिमेंट्री लिख दिया, देखिए एलिमेंट्री आइडिया, इंटरफेरेंस का बस एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना आपको, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है इसमें, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है और इसमें सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब रे ऑप्टिक्स जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है आपको थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना, पूरा पूरी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में थोड़ा सा छोटा सा पार्ट रखा हुआ है ना। तो और उसके बाद आ जाइए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आप देखेंगे तो ये जनरल फिजिक्स हो गया आपका, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स तो खैर 12th में, तो आपको क्लास 11th का पूरा मैकेनिक्स को रख दिया गया है आपके सामने कि आपको पूरा का पूरा मैकेनिक्स लगभग पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ छोड़ना भी है। रोटेशन वाला चैप्टर आपका नहीं दिया गया, जो रोटेशन चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको इसमें नहीं रखा, टफ भी होता, थोड़ा बच्चा लोग को टफ लगता है, नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सर्कुलर मोशन रखा है ना, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रखा हुआ है, काइनेमेटिक्स रखा हुआ, वो भी छांट छांट के रखा हुआ है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, 3 टाइप का जो प्रोजेक्टाइल होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल और इनक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल, तीनों पढ़ना होगा आपको। जब प्रोजेक्टाइल लिख दिया मतलब सब कुछ पढ़ना है ना, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना होगा, रिवर बोट प्रॉब्लम इसमें आता है, ये सब पढ़ना होगा आपको थोड़ा बहुत करके। और फिजिक्स में क्या होता है ना कि ज़्यादा थ्योरी पूछता है आपका, क्वेश्चंस बहुत कम मात्रा में आता है, जैसे 75 क्वेश्चन में हो गया तो 50 क्वेश्चन आपको थ्योरी पूछ लिया और 25 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएगा वो छोटा छोटा न्यूमेरिकल है ना। तो चलिए आपका ये वाला पार्ट को क्लियर हो गया, 7 पार्ट में डिवाइड है अभी आपका, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में आते हैं, सबसे पहले गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन लिखा हुआ, तो गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन को समझने के लिए तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना पड़ेगा,
तो अब हम इसको बेमान कहें कि क्या कहें, बोलिए अब डायरेक्ट आपको गॉस थ्योरम पढ़ाने लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ के, तो आपको गॉस थ्योरम समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा ना। तो बस यही है कि गुना करने के लिए, भाग करने के लिए नंबर्स का जानकारी होना ज़रूरी है, उसी तरह गॉस थ्योरम सीखने के लिए, गॉस थ्योरम जानने के लिए आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो इससे इसमें जो टर्म यूज होगा, इसमें जो सारा जो यूज होता है, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपको गॉस थ्योरम समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है किसके कारण से, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से, तो सबको अलग से डायपोल पढ़ना होगा, अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा और अलग से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना होगा, तीनों अलग से पढ़ेंगे तभी ना रिलेट करके पाएंगे। तो दिया है मिला के, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना तो सभी पढ़ेगा, है ना। अब आगे देखिए, अब इधर ख़त्म हो गया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना ही था। अब यहाँ से कैपेसिटर अलग आ गया, कैपेसिटर एंड इट्स कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। तो कैपेसिटर में क्या होता है और रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपको तो पता ही है कि रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल जिस तरह से ऐड होता है, कैपेसिटर में जस्ट उसके उल्टा ऐड होता है, उसमें जैसे सीरीज वाला में ऐड होता है इसमें वैसा पैरेलल वाला में ऐड होता है, और उसमें जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस में जैसे पैरेलल में ऐड होता है इसमें सीरीज में ऐड होता है। तो कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक है, कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा फेरी मैग्नेटिक है, इस तरह से जो क्लासिफिकेशन किया हुआ वो सब पढ़ना है आपको इसमें, है ना। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि आपको चार मैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम लिख देगा, तब पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है फेरम डायमैग्नेटिक, ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया, चार ऑप्शन देकर डायमैग्नेटिक पूछ लिया, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका, चार पार्ट यहाँ पे आपको ख़त्म होता है और इसके बाद और तीन पार्ट बचता है, तो तीनों पार्ट को इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि ये सब जो जितना भी टॉपिक है TGT का, जितना भी टॉपिक है उसका नोट्स जो है, उसका हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। हम मैथ्स तो पढ़ा ही रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी दोनों का हैंड रिटन नोट्स हम खुद मेरा लिखा हुआ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आपको कहीं दिक्कत है पढ़ने में, अगर आपको बुक में सक्षम नहीं हो रहे, बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरा नोट्स का सहारा ले सकते हैं। आप जो है मेरा नोट्स कैसे परचेज कर सकते हैं, जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है उस नंबर पर हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, छोटा थोड़ा बहुत प्राइस में आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग आगे का, जो आपको दिक्कत अगर हो रहा है कि बुक से हम नहीं पढ़ पा रहे, बुक समझ में नहीं आ रहा है, तो नोट से बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, ना। तो चलिए अब आगे का हम पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हम लोग आगे का टॉपिक, जो हम लोग को आगे पढ़ना था। जैसे हम लोग अभी चार यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं, तो चार यूनिट के बाद जो हम लोग और तीन यूनिट बचता है, तो तीन यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पाँचवां यूनिट में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी है, छठा में हम लोग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है, और सातवां हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है। तो सात यूनिट में जैसे कि आपको बताएं कि डिवाइड किया हुआ है, तो सातों यूनिट, चार यूनिट तो आपको बेहतरीन ढंग से बता दिए। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे का पार्ट क्या है। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, हम लोग को किस में पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो जैसे हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इससे पहले, तो अब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कितना फंसाया है देखिए, कि भाई हम लोग को किरचॉफ्स लॉ अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना ही पड़ेगा, तो दोनों को तभी ना रिलेट कर पाइएगा। किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशन, जो इसमें पॉइंट लॉ होता है और एक लूप लॉ होता है, किरचॉफ्स लॉ में दो इसका दो लॉ होता है, पॉइंट लॉ और एक लूप, पॉइंट रूल और लूप रूल। तो दोनों रूल को और पढ़िएगा तभी ना आप इसको रिलेट कर पाइएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो अलग से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो अब आगे देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या पढ़ना होता है, बहुत सारा पार्ट को स्किप किया हुआ है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक को ही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग को फ्यूज वायर हो गया, MCB हो गया, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया, ये सब पढ़ना होता है ना। उसके बाद देखिए, अब यहाँ तक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट खत्म, यहाँ से मैग्नेटिज्म शुरू। तो मैग्नेटिज्म का बस एक पार्ट लिया, एक टॉपिक लिया बस, बायोट सावर्ट लॉ ही बस मैग्नेटिज्म का लिया। इसके बाद जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ईएमआई का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो लेंज लॉ है, ये भी ईएमआई का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
मैग्नेटिज्म का बस एक ही पार्ट लिया हुआ, बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ये आपका यहाँ से देखिए मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो गया, पार्ट सिक्स और पार्ट सेवन जो है ये आपका क्या है, तो पार्ट सिक्स एंड सेवन, सिक्स एंड सेवन आर मॉडर्न फिजिक्स, क्या है, मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट शुरू हो गया। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बोर्स थ्योरी, तो बोर्स थ्योरी सबसे पहले पढ़ना हम लोग को। तो बोर्स थ्योरी किसके लिए पढ़ना, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ना है, बोर्स थ्योरी तो सारे एटम के लिए अप्लीकेबल है, सबके लिए बोर्स थ्योरी लागू होता है, और सबसे न्यूली डिस्कवर्ड यही है, हम लोग एप्लीकेबल यही वाला चलता है, क्योंकि जो डाल्टन वाला आया था उसके बाद से बहुत सारा मॉडल आते गया तो सबको खारिज कर दिया गया, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकला, सब में कुछ कुछ खामी निकला, बोर्स थ्योरी में कुछ खामी नहीं निकला है, तो बोर्स थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड किया गया है ना, तो बोर्स थ्योरी पढ़ना, तो बोर्स थ्योरी पढ़ने को के बाद बोर्स थ्योरी के साथ हाइड्रोजन एटम को ही सिर्फ पढ़ना है, और किसी एटम का यहाँ पर जरूरत नहीं, बस सिलेबस में तो यही लिखा है कि बोर्स थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ो भाई, है ना। तो उसके बाद आ गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। इसके बाद श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन जो है इसको भी पढ़ना है, ठीक है, तो इसको हम लोग वहाँ भी पढ़ते हैं, जो हम लोग एक प्रेशर करके चैप्टर आता है ना, प्रेशर केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, हम लोग को क्लास इलेवेंथ में पढ़ाया जाता है, उसमें प्रेशर वाला चैप्टर में आता है, जिसमें इसमें श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को पढ़ना पड़ता है ना, तो केमिस्ट्री में भी ये वाला पार्ट पढ़ाया जाता है, जो बोर्स थ्योरी है इसको भी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, आपका हाइजेनबर्ग्स भी ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चलता है ना, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन ये भी शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही केमिस्ट्री का है ना, तो ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है ये वाला पार्ट जो मॉडर्न फिजिक्स का है, तो आप कहीं भी पढ़े होंगे क्लास इलेवेंथ में ही पढ़ाया जाता है मॉडर्न फिजिक्स, तो ये सॉरी क्लास ट्वेल्थ का है, मॉडर्न फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में आप इसको इलेवंथ में पढ़े होंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री में इसको आप इलेवंथ में पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स का ये वाला पार्ट, लेकिन फिजिक्स में इसको क्लास ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता, लगभग सेम रहता। अब आगे आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट में, सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ना है, देखिए क्या क्या है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है, पीएन जंक्शन पढ़ना है, डायोड पढ़ना है, जेनर डायोड पढ़ना है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना, पूरा मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांजिस्टर पढ़ना जिसमें पीएनपी और एनपीएन जंक्शन आ जाता है, ये दोनों पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ना है ट्रांजिस्टर का, जिसमें हम लोग को कॉमन बेस और कॉमन एमिटर दो टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स आपका समाप्त हुआ, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे समाप्त हुआ, अभी थोड़ा सा है और मॉडर्न फिजिक्स कहाँ पे, देखिए बेसिक लॉजिक गेट जो होता है, ट्रूथ टेबल जो होता है, तो लॉजिक गेट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, वो आपका जिसमें 1 0 आएगा तो क्या 1 होगा, जिसमें आपका फिर 0 0 रहेगा तो क्या आएगा, 1 1 रहेगा तो क्या आएगा, तो है ना, तो उस तरह हम लोग पढ़ना, जैसे गेट सब होता है, एंड गेट है ना, नॉर गेट और गेट, तो ये सब सारा लॉजिक गेट है, इसका ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल बना के हम लोग किस तरह से निकालते हैं वो सब पढ़ना है हम लोग को, है ना। उसके बाद देखिए बुलियन अलजेब्रा मॉडर्न फिजिक्स करना ही है, बुलियन अलजेब्रा अलग से है, ये लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग बात है, तो बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है, और अलग एक्स्ट्रा क्या है, डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम और देयर इंटरकन्वर्जन, मतलब आपको कोई नंबर आपको डेसिमल में दिया है तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी में दिया है तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, आसान सा टॉपिक है। तो ये सब आपका ये 7 पार्ट में इस तरह हम लोग सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, तो सिलेबस तो आप कुल मिलाकर अब यहाँ से हम लोग एक बात अंदाजा लगाते हैं, एक बात हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं आपको कि सिलेबस आपका क्या कह रहा है, सिलेबस आपसे कुछ कह रहा है कि हम, सिलेबस खुद कह रहा है कि हम 90% तो 11th और 12th वाला पार्ट है, हम जो है 90% 11th और 12th वाला पार्ट है, हम सिलेबस 90% और 11th 12th का पार्ट है, और जो 10% बच रहा है भाई साहब ये आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिल रहा है कि अगर आप ये वाला पार्ट पे कमांड कर लेते हैं, ये 90% वाला पार्ट पे, क्योंकि पूरा 11th 12th का ही सिलेबस को रखा गया है और वो भी बहुत छांट के लिखा हुआ है, सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना, एक चैप्टर का सब कुछ सारा टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, छांट छांट के पढ़ना है, ठीक है। तो 90% तो हम खुद जो सिलेबस है बोल रहा है कि 90% तो खुद हम 11th 12th का छटा हुआ पार्ट है, तो अगर आप इसको कंपाइल आप इसको ढंग से कर लीजिए ना, अगर ये आपको नहीं भी आता है तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ज़्यादा तो है नहीं,
क्या है थोड़ा सा जो रिलेटिविटी थ्योरी में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डायलेशन, ये सब ग्रेसन का थोड़ा बहुत टॉपिक है। बाकी आप दिखा दीजिए कहीं आपका ग्रेसन का टॉपिक है, पूरा 11th 12th का टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स या ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, उसके बाद 11th में फ्लूड मैकेनिक्स थोड़ा बहुत डाला हुआ है, काइनेमेटिक्स डाला हुआ है, वर्क एनर्जी पावर डाला हुआ है, तो छोटा छोटा टॉपिक है। अब पूरा पूरा 90% हम कहेंगे कि 11th 12th का, 10% आपको ग्रेजुएशन का है, तो ये आप समझ सकते हैं ना। तो ये वाला पार्ट आपको इस तरह से फिजिक्स का पढ़ना है, तो मैथ्स वाले हैं तो भी फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स वाले हैं तो भी फिजिक्स पढ़ना है, और फिजिक्स वाला को भी मैथ पढ़ना है और मैथ वाला को तो मैथ पढ़ना ही है। तो ये बात तो आपको पता ही है कि 75-75 का डिवीज़न है क्वेश्चंस का, है ना। तो ये सब टॉपिक अगर आप खुद से पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं पढ़ पाते हैं तो खैर इसका हम लेक्चर्स तो शुरू करने ही वाले हैं। फिजिक्स का, मैथ का तो बहुत पहले से ही मेरा चल रहा है, तो फिजिक्स का भी शुरू करने वाले हैं। और क्योंकि ये सिलेबस का और बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड था कि सर मैं अपलोड करवे कीजिए, आपको फिजिक्स का भी थोड़ा सा बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो चलिए फिजिक्स का भी आज हम बता दिए आपको। और हाँ, तो नोट्स के बारे में भी आपको बता दिए कि जो नीचे जो नंबर आ रहा है उसमें आप कॉन्टैक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं, पूरा फुल सिलेबस फिजिक्स का हैंड रिटन और फुल सिलेबस मैथ्स का भी ले सकते हैं हैंड रिटन। तो वो आपको PDF फॉर्म मिलेगा, आपको PDF में नोट्स मिलेगा, जो नोट्स है उसको PDF फॉर्म में आपको मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी की सुविधा अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो PDF में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे नंबर में व्हाट्सएप में हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सिंपल वे में नोट्स को लिखा गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी हम समझाएं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं स्टूडेंट, थैंक यू।